नमस्ते, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखा बोमबिल फिश रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सूखा बोमबिल एक कटोरी। इसे अच्छी तरह से भूनना है हमें, ब्राउन होने तक भुनेंगे हम इस तरह। अब हम डालेंगे इसे गर्म पानी में, अच्छी तरह से धोकर साफ करना है। पैन में डालेंगे तेल, दो कटे हुए प्याज, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भुनना है, एक कटा हुआ टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, नमक स्वादानुसार आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा कप पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। अब हम डालेंगे बोमबिल, धोकर साफ करके इस तरह से अब हम रखेंगे ढककर इसे 2 मिनट तक। आप देख सकते हो बोमबिल बनकर तैयार है। कटा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।